नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का भी, जिसमें मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। मराठा साम्राज्य में पढ़ा रहा था उसके अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे और उसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं शिवाजी के बारे में। इससे पहले मैंने मराठों के प्रारंभिक इतिहास में बता दिया था, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मराठों के बाद जो मतलब अर्थात शिवाजी के बारे में हम देखेंगे प्रारंभिक इतिहास के बाद में शाहजी के बाद का जो देखेंगे तो शासक बन के आते हैं शिवाजी। शिवाजी के बारे में बताएंगे आपको और उनके कह सकते हैं कि ये जो शिवाजी का वीडियो है इसमें हम उनकी शिवाजी के जितनी भी उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में और उनका जो पूरे शासन काल रहा है उसके बारे में हम आपको जिक्र करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ तो इसके बाद एक और वीडियो बनेगा शिवाजी के ऊपर, जिसमें मैं शिवाजी के शासन प्रशासन के बारे में, शिवाजी की न्याय व्यवस्था, शिवाजी का आप देखेंगे तो अष्ट प्रधान का जिक्र करेंगे और उसके साथ साथ में शिवाजी का जो कह सकते थे जो उनका जो पूरा साम्राज्य था उसका डिवीजन भी हम करके बताएंगे और भू राजस्व व्यवस्था, इन सब का जिक्र उसमें देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिवाजी के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया ना उसी तरीके से बताऊँगा। तो आइए शिवाजी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, जीजाबाई, और पिताजी का नाम क्या था, शाहजी था। मैंने बताया था कि लखूजी जादव की पुत्री थी जीजाबाई, जिनका विवाह शाहजी के साथ में हो गया था और उनसे जो उत्पन्न संतान शिवाजी थे। शिवाजी का जो विवाह था वो साईंबाई के साथ में हुआ था और इनकी जो शुरुआती का जो आप देखेंगे तो इनके संरक्षक जो थे वो दादाजी कोंडदेव थे, जो इनके शुरुआती संरक्षक थे। लेकिन और इनका जन्म जो होता है वो आप देखेंगे तो इनका जन्म जो जुन्नार के समीप सिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट को समझिए, उसके बाद में आगे की कहानी में बताऊंगा आपको। अब बात करेंगे कि जब शिवाजी का जो जीवन काल है उसमें जो प्रमुख घटना है उनका जो देखेंगे तो उनका डिवीजन हम करेंगे तो अभियान वगैरह आते हैं और अभियान के साथ में कौन कौन से किले वगैरह उन्होंने जीते और किसके किसके साथ उनका संघर्ष हुआ इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दूँ अभियान की बात करेंगे तो इनका जो प्रथम अभियान था बीजापुर के आदिलशाही राज्य के विरुद्ध हुआ था। तो बीजापुर के आदिलशाही राज्य के विरुद्ध में इन्होंने पहला अभियान किया था। लेकिन अगर जो बात करेंगे किलों के जीतने के दौर में देखेंगे तो विजय में देखेंगे तो 1643 में इन्होंने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला विजित किया था। तो सिंहगढ़ का किला जो था वो शिवाजी के द्वारा विजित पहला किला था। कई किताबों में तोरड़ का किला मिलता है, तोरड़ किला इन्होंने 1646 में जीता था, तोरड़ का किला। तो याद रखिएगा, ये क्रम है, याद रखिएगा, सभी मैं बता रहा हूँ। देखिए 1643 में सिंहगढ़ का किला विजित किया, 1646 में तोरड़ का किला, 1647 में कोंडाना विजय, 1654 में पुरंदर का किला, 1656 में जावली की विजय, 1656 में इन्होंने जुन्नार के किले की भी विजय की थी और 1657 में आप देखेंगे तो 1657 में ही आपको देखने को मिलेगा कि औरंगजेब से इनकी पहली मुठभेड़ होती है, औरंगजेब से पहली मुठभेड़ होती है 1657 में। लेकिन अब चूंकि आप देखेंगे तो औरंगजेब भी क्या है कि उत्तराधिकार के युद्ध में आप देखेंगे तो ये शासक बन चुका था, उत्तराधिकार के युद्ध में ये विजित होने के बाद में शासक बन चुका है और शासक बनने के दौर में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो शिवाजी के समकक्ष में आप देखें तो बीजापुर का शासक है अफजल खां। तो अफजल खां के देखिए दो प्रबल शत्रु थे जिनमें से आप एक कह सकते थे जो दक्षिण में जो औरंगजेब था और ये शिवाजी थे। लेकिन चूंकि औरंगजेब जो था वो अब चूंकि उसने क्या किया था कि अब संघर्ष के दौर में आप देखेंगे कि तो उसने उत्तराधिकार के युद्ध में जो औरंगजेब था वो बन गया था, शासक बन गया था और उत्तराधिकार के युद्ध में जब औरंगजेब शासक बन गया तो औरंगजेब शासक बनने के दौर में अफजल खां के जो प्रतिद्वंदी थे वो एकमात्र जो बचते हैं वो सिर्फ बचते हैं शिवाजी। तो औरंगजेब तो चला गया अफजल खां से संघर्ष के इस दौर में, जो शिवाजी से वो युद्ध करने की बात करता है और युद्ध में क्या होता है कि एक जगह चुनी जाती है जहाँ पे एक संधि की, पहले एक संधि की बात की जाती है, संधि में एक जगह चुनी गई प्रतापगढ़ का जंगल, ये उत्तर प्रदेश वाला प्रतापगढ़ नहीं है, दक्षिण भारत में प्रतापगढ़ के जंगल को चुना गया और बात ये कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। अफजल खां जो है वो शिवाजी को बुलाता है और धोखे के साथ में वो शिवाजी की हत्या करने के उद्देश्य से उसने बुलाया था प्रतापगढ़ के जंगल में। जब कहते हैं कि दोनों लोगों ने जब गले मिला तो जो अफजल खां था उसके हाथ में चाकू था, उसने चाकू भोंपने की कोशिश की शिवाजी के पेट में। लेकिन शिवाजी क्या थे, पहले से सजग थे, उन्होंने एक कह सकते थे जीरे बख्तर पहन के गए हुए थे, जीरे बख्तर के पहनने की वजह से उनके कटार तो उनके अंदर, मतलब कहने का मतलब जो कटार से उसने हमला किया वो उनके ऊपर नहीं हो पाता है, असफल हो जाता है और शिवाजी अपना कटार निकाल करके अफजल खां को वहीं पर क्या कर देते, मार देते हैं।
तो अफजल खां के संघर्ष में जो है अफजल खां यहीं पर समाप्त हो गया उनका। अब प्रतापगढ़ के जंगल में जो दोनों के बीच में जो मुठभेड़ हुई उसमें शिवाजी जो थे वो जीत गए और जंगल में इनकी सेना भी पहले पीछे से विद्यमान थी और उसमें ये जो होते हैं शिवाजी वो जीत जाते हैं। लेकिन अब दूसरा दौर चलता है शाइस्ता खां के साथ संघर्ष। शाइस्ता खां जो है वो औरंगजेब का मामा है, औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां है। दरअसल मैंने बताया कि औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में विजित हो चुका है और उत्तर भारत में चला गया, इसलिए उसे दक्कन के क्षेत्र में किसी को तो उसको शासन बना देना ही पड़ेगा, इसलिए वो अपने मामा को देता है। उसका मामा है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को दक्कन का वायसराय कह सकते थे, गवर्नर नियुक्त करता है दक्षिण का 1663 में। लेकिन अब शाइस्ता खां भी उस दौर में क्या करते हैं कि चाकन विजित कर लेते हैं। चाकन क्षेत्र जो पहले आप देखेंगे, चाकन का जो क्षेत्र था वो आता है किसके अधीन, वो शिवाजी के अधीन आता है। तो चाकन को विजित कर लेते हैं और पूना में आप देखेंगे पूना के एक पहाड़ी दुर्ग है उसमें क्या करते हैं, आराम कर रहे होते हैं ये कौन, शाइस्ता खां। लेकिन उसी रात में ही आराम कर रहे होते हैं, उसी किले में शिवाजी ने अपना बचपन बिताया होता है, उनको वहाँ की गलियाँ वहाँ के रास्ते वगैरह सब कुछ पहले से पता थे, इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे तो शिवाजी ने उस किले पर क्या किया, हमला कर दिया। उस किले में आप देखेंगे तो रात के समय में वो हमला हुआ जिसमें शाइस्ता खां का हाथ कट जाता है और लेकिन वो भागने में सफल हो जाता है, लेकिन अब्दुल फतेह जो है उसका पुत्र है शाइस्ता खां का वो मारा जाता है। तो अब्दुल फतेह जो है वो मार दिया जाता है और शाइस्ता खां भाग जाता है। अब शाइस्ता खां जब भाग गया तो शाइस्ता खां के भागने के बाद में आप देखेंगे तो शाइस्ता खां को क्या कर दिया गया, औरंगजेब रुष्ट हुआ, उन्हें बंगाल का गवर्नर या वायसराय उसको नियुक्त कर दिया गया बंगाल का। अब आप देखेंगे तो फिर जो दक्षिण में है उसको किसको नियुक्त किया जाए, तो दक्षिण में एक मुअज्जम का नाम आता है, आप जानते हैं ना मुअज्जम आजम काम बख्श, ये औरंगजेब के पुत्र थे एक, तो उस दौर अकबर भी औरंगजेब का एक पुत्र था। तो मुअज्जम आजम काम बख्श तीन पुत्र हैं जिसने इसने क्या किया, मुअज्जम को दक्षिण का वायसराय नियुक्त किया। और लेकिन उसी के ठीक बाद शाइस्ता खां की जगह मुअज्जम दक्कन का गवर्नर बन गया। लेकिन शिवाजी ने क्या किया, सूरत की लूट की। सूरत आप देख रहे हैं मैप में देख लीजिए, जो मैंने बताया है जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें, सिंहगढ़ हो, जावली हो, जुन्नार हो, सतारा हो, और ये सूरत है, और यहीं के पास आप देखेंगे तो पूना पड़ेगा, ये आगरा और काशी है। जितने नामों का जिक्र हम करेंगे वो मैं भी आपको इसमें बताते चलेंगे। तो सूरत की लूट है, प्रारंभिक तौर पर इन्होंने सूरत की लूट की 8 जनवरी 1664 को इस लूट किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धन वगैरह इनको मिला और इन्होंने इस युद्ध में आप देखेंगे तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के जो किले वगैरह थे उनको इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसने, शिवाजी ने। लेकिन इस लूट के बाद में आप देखेंगे तो शाइस्ता खां मुअज्जम को दक्कन का गवर्नर बना तो दिया गया था, लेकिन दक्कन के गवर्नर मुअज्जम से चीज़ें संभल नहीं रही थी, इसलिए औरंगजेब ने सवाई राजा जयसिंह को एक संधि करने के लिए बोला, जिसको बोलते हैं पुरंदर की संधि, 22 जून 1665 को। इस युद्ध मतलब कि इस संधि में आप देखेंगे तो मनुची जो है इस संधि के दौरान उपस्थित भी था, लेकिन अब हम बात करेंगे पुरंदर की संधि को, जो 22 जून 1665 को हुई। सूरत की लूट के तुरंत बाद पुरंदर की संधि होती है और सूरत की लूट के बाद पुरंदर की संधि हुई जिसमें जयसिंह और शिवाजी के बीच में ये संधि होती है। और इस संधि के कुछ बातें ये थी कि अगर जब देखेंगे तो शिवाजी के पास कुल 35 किले थे, 35 में से जो 23 किले थे वो इन्होंने मुगलों को दे दिए। और इस संधि में एक और बात का जिक्र हुआ कि जो शिवाजी हैं वो मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे और सेवा देंगे। और बात हुई कि जो शिवाजी के पुत्र जो संभाजी हैं, संभाजी को इन्होंने क्या किया, 5000 के मनसब देने की बात कही और एक बोला गया कि आपको हम इनवाइट करते हैं कि आप आइए, मतलब आप आइए और आगरा में किससे मिलिए, आगरा में मुलाकात कीजिए, औरंगजेब से आपको बुलाया है उन्होंने। बस इसी को लेकर के ये शिवाजी के आगरा की यात्रा के लिए जाते हैं और आगरा की यात्रा में जाते हैं तो इनको 5000 के मनसब की कैटेगरी में इनको खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कह सकते हैं कि शिवाजी का जो वो दौर था वो 5000 के मनसब से उनका बड़ा होता था, इसलिए वो अपने आप को वो थोड़ा सा नीचा समझते हैं, अपमान समझते हैं, इसलिए ये। लेकिन आगे चल करके इन्हीं को वहीं पर क्या किया जाता है कि बंदी बना लिया जाता है आगरा में स्थान है जयपुर महल। तो जयपुर मत कंफ्यूज मत होइएगा, नाम है जयपुर महल, है कहाँ, आगरा में स्थित जयपुर महल में इनको बंदी बना लिया जाता है। लेकिन आगे चल करके बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है और एक इनका एक कह सकते हैं हमशक्ल है
तो वो उस बंदी गृह में बंद तो होते हैं, लेकिन एक हम सकल है उस टोकरी में बैठ करके ये क्या करते हैं, उसको अपनी जगह पर लिटा देते हैं और वो टोकरी में बैठ करके ये वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद में ये जब ये शिवाजी वहाँ के किले से निकलते हैं, उनको कह सकते हैं बहुत ज़बरदस्त मुगलों की तरफ से विश्वासघात मिला था। आगे चल करके इन्होंने जब वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने सूरत की दूसरी लूट की, सूरत की दूसरी लूट 1670 की, इसमें भी इन्होंने अच्छा खासा पैसा वगैरह वहाँ से लूटा। लेकिन उस सूरत की लूट के उसी दौरान में आप देखेंगे तो सूरत की लूट से जो धन लेकर के वापस जा रहे थे तो रास्ते में इनकी मुठभेड़ होती मुगल की सेना से, अब्दुल फतेह वगैरह का जिक्र मिलता है। तो इसमें मुगल प्लस शिवाजी के बीच में वांडी डिंडोरी का युद्ध होता है। वांडी डिंडोरी के युद्ध में ये आप देखेंगे सूरत के ठीक नीचे जब आ रहे थे ये अपने क्षेत्र में, तो यहीं पर वांडी डिंडोरी का युद्ध हुआ। वांडी के डिंडोरी के युद्ध में आप देखेंगे मेन ये युद्ध ये था कि मुगल जो थे जो सूरत की दूसरी लूट में जो धन लेकर के जा रहे थे, मुगल उसको छीनना चाहते थे लेकिन वो उसको नहीं छीन पाए और ये जो शिवाजी है पूरा धन लेकर के चले गए। तो ये कह सकते हैं इसमें मुगल सेना असफल रही, शिवाजी विजित हो गए। अब इसके बाद की कहानी यही है कि शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को होता है पहली बार। इसमें आप देखेंगे तो काशी निवासी विश्वेश्वर भट्ट ने किया था। अब दरअसल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को यह मिलेगा कि काशी निवासी विश्वेश्वर भट्ट, अब चूंकि रहने वाले तो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के हैं, तो काशी निवासी विश्वेश्वर भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया क्यों? दरअसल जो इनके क्षेत्र के जो आप देखेंगे तो यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो इनका राज्याभिषेक नहीं करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि नीचे कुल के हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने काशी जा करके एक स्पेशल वहाँ से एक कह सकते थे विद्वान को थे काशी नरेश, मतलब इनको गंगा भट्ट भी बोलते हैं, उनको ये ले करके आते हैं। उनसे क्या कहते हैं पूरे विधि विधान के साथ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। उसी राज्याभिषेक के दौरान में आप देखेंगे तो हेनरी ऑक्साइडन जो उपस्थित था, जो कह सकते थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पर उपस्थित था, और उसने क्या किया था कि राज्याभिषेक के दौरान में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से उनको कह सकते थे उपहार भी भेंट किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एक जगह मैंने देखा है कि किसने अंग्रेजों की तरफ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से राज्याभिषेक के दौरान उपहार भेंट किया था, तो हेनरी ऑक्साइडन था। याद रखिएगा ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे इस कह सकते थे यहाँ पर राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था। लेकिन इसके बाद में आप देखेंगे तो इन्हीं के 1674 में इनकी जो माता है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जो इनका जो पूरा जो साम्राज्य था वो छत विछत हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया इन्होंने एक दूसरा राज्याभिषेक किया। और उसी दूसरे राज्याभिषेक से पहले इन्होंने खैर इन्होंने विवाह भी सोहराबाई से किया था, दूसरा विवाह सोहराबाई से कर लिया था। और 24 सितंबर 1674 को इन्होंने दूसरी बार राज्याभिषेक किया। इनको ऐसा लगता था उसमें इन्होंने क्या किया था निश्चलपुरी गोस्वामी को बुलाया था जिससे इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। कांची मतलब कि केरल के निवासी थे ये कह सकते थे, इन्होंने इसको बुला करके इन्होंने पूरा तांत्रिक तरीके से इन्होंने पूरा अपना राज्याभिषेक कराया। निश्चलपुरी गोस्वामी से कांची के निवासी थे। तो ये दूसरी बार राज्याभिषेक की डेट दोनों याद रखिए, पहली जो डेट है 6 जून 1674, दूसरी 24 सितंबर 1674। दो बार राज्याभिषेक हुआ है 6 जून 1674 और 24 सितंबर 1674 को दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। और दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी ने करवाया, पहला राज्याभिषेक विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट ने करवाया, काशी निवासी या कांची निवासी, कांची मतलब तमिलनाडु। लेकिन अब बात आएगी कि अंतिम विजय तो थी वो जिंजी की विजय थी, औरंगजेब की जो अंतिम की मतलब जब आप देखेंगे शिवाजी की अंतिम विजय जो है वो जिंजी की विजय की थी 1677-78 में, लेकिन आगे चल करके 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। और यहीं से आप देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप देखेंगे इनको कई सारे नामों से भी, जैसे औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा भी कहा और भी कई सारे उपनाम हैं जिसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें मैंने बताया ना सिंहगढ़ है, जावली है, तो आप देख लीजिए आगरा है, यहीं पर सूरत वापसी में यहाँ पर डिंडोरी वाला, याद रखिए जैसे मैंने बताया ना कि वांडी डिंडोरी का युद्ध, उसके बाद में ये जो नार सिंहगढ़ सतारा जावली काशी है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा कांची, तो कांची भी याद रखिए। ये चीज़ें हैं जो मैंने बताया है। नेक्स्ट वीडियो हम शिवाजी के प्रशासन के बारे में, शिवाजी का जो आप देखेंगे तो भू राजस्व व्यवस्था, शिवाजी के सभी जो और भी बाकी कह सकते हैं कि राजस्व प्रणाली से लेकर के जितनी भी चीज़ें पूरे इनके साम्राज्य का हम डिवीजन करेंगे और विस्तार क्षेत्र भी हम देखेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे रहा है, और कुछ बातें भी आएंगी जिनका हम बात करेंगे, कुछ जो स्पेशल वर्ड वगैरह हैं कह सकते हैं जो साम्राज्य का विस्तार होगा, तो जैसे कौन कौन से नाम आएंगे कि जिलों को क्या बोला गया, परगना को क्या बोला गया, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे।
तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिए। धन्यवाद।